दोस्तों 1 जनवरी 2021 तक जो है आपके सभी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसका जो है बंद करने का जो है सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जैसे फैल रहा है कोरोना वायरस, तो इसीलिए उन्होंने ध्यान में रखते हुए इसको तो आपके जो है स्कूल कॉलेजेस को अभी 1 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ कि आपके ऐसे में फिर आपकी ITI परीक्षाएं हो पाएंगी जब शिक्षण संस्थान तो वो बंद ही कर रहे हैं 1 जनवरी तक, तो ऐसे में क्या आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे कमेंट तो मुझे ये भी आ रहे थे कि सर हमारा नया एडमिशन है ना, कि जो मतलब अभी आपने 2020 में लिया है तो हमारा मतलब एग्ज़ाम वगैरह हमारी क्लास वगैरह कैसे होंगी। तो भाई अभी तक तो आपके देखिए मुझे नहीं लगता कि देखिए जैसे कि लोग पता है कि 1 जनवरी तक तो स्कूलों को जो तो बंद ही है 2021 तक, तो अब इस महीने में तो अभी एग्ज़ाम ही बाकी रह रहे हैं, तो क्लास का तो कोई मतलब नहीं रखता। जो आपके नए छात्र हो अगर आप, तो क्लासेस का तो कोई मतलब नहीं रहता आपका अभी स्टार्ट होने का, कि अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए यार, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर कम्प्लीट नहीं हुए, तो अभी तो आपका कोई भी क्लास का सिस्टम नहीं बनता, आप तो अभी टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, जिनका अभी 2020 में एडमिशन हुआ है वो तो अभी टेंशन फ्री रहिए, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल टेंशन बनी हुई है जिनके पुराने मतलब जो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, उनके एग्ज़ाम का ही नहीं यार कन्फर्म हो पा रहा कि क्या सिस्टम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर करना है तो प्रमोट आगे फर्स्ट ईयर वालों को कर दो प्रमोट, सेकेंड ईयर वालों के अपना जो है डेट वगैरह जारी कर दीजिए, है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह तो अब सबके निमट ही चुके हैं ना, ख़त्म हो चुका है प्रैक्टिकल वगैरह, तो अब मुझे नहीं लगता किसी का, बस 7 तारीख तक जो है वो प्रोसेस है कम्प्लीट होना है 7 तारीख तक, उसके बाद जो है अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा, जैसे जैसे डेट आएगी आपको कन्फर्म करूँगा। और अगर प्रमोट होने का भी चक्कर रहा ना तो मैं आपको बता दूँगा, प्रमोशन का तो फिलहाल फर्स्ट ईयर वालों को चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं प्रमोशन के जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो वीडियो डाली थी मैंने सुबह के टाइम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन का जो है फर्स्ट ईयर वालों को चांसेस अधिकतम बन रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वालों के अभी जो है एग्ज़ाम होने का मतलब अभी ज़्यादा चांस है, क्योंकि सेकेंड ईयर है और स्किल है, तो इसलिए स्किल को तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनके पेपर ही हों। ठीक है, स्किल का मतलब ये मतलब कुछ सीखें, तो प्रमोशन का तो फिर चक्कर ही आ जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के चांसेस हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर को प्रमोट करेंगे तो फिर जाकर जो फर्स्ट ईयर वाले वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और फिर उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे फर्स्ट ईयर वालों के। ठीक है, और रही आपकी बैक की बात, तो बैक अगर आपका प्रमोशन हुआ फर्स्ट ईयर वालों का, अगर फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हुए तो आपकी बैक भी क्लियर हो जाएगी, आप बैक में भी प्रमोशन आपका हो जाएगा। ठीक है, आप प्रमोट हो जाएंगे बैक में भी अगर फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होते हैं तो, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सारा छिड़ रहा है, आपने काफ़ी सारे YouTube पे भी देखा होगा कि प्रमोशन को लेकर बात चल रही है फर्स्ट ईयर वालों की, तो अगर आप जो है फर्स्ट ईयर वाले अगर प्रमोट होते हैं तो आप जो है जिनकी बैक है वो भी प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी जो है सेकेंड ईयर वालों का ढेर चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि यार सिर्फ एक ही पेपर रहा है, और मतलब सोच सकते हो कि मतलब इतने साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 पेपर पर बात अटक गई है आकर, और उनका कुछ अता पता नहीं है कि डेट कब तक आएगी। ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते कि अभी आएगी भी या नहीं आएगी, तो ये सिस्टम बन रहा है अभी छात्रों का, इसलिए आप लोग मुझे भर भर के कमेंट करते हो कि पेपर कब होंगे, तो मैंने काफ़ी सारे लोग वीडियो बना दिए, और जैसे जैसे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी DGT की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया दोस्तों, DGT ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दे रहा है एग्ज़ाम को लेकर, थोड़ी बहुत का थोड़ा सा आइडिया तो देते कि कब तक होने हैं, ऐसा भी उन्होंने कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अब देखना ये कि 7 तारीख के बाद क्या होता है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी नोटिस आएगा मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। ठीक है, और परीक्षा तो आपकी फर्स्ट ईयर वालों के तो चांसेस बनना है जैसे मैंने बताया प्रमोट होने के, लेकिन सेकेंड ईयर वालों के अभी कोई भी चक्कर नहीं है, उनके एग्ज़ाम तो दोस्तों 90% होकर ही रहेंगे, 95% मानिए, सिर्फ 5% ही आपका प्रमोशन का चक्कर बन रहा है अभी, लेकिन आपके एग्ज़ाम दोस्तों होने के चांस अधिक है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखना, कभी तैयारी छोड़ दो करनी, और क्लास की आप लोग कोई कमेंट आ रही थी कि क्लास भी, तो हाँ क्लास भी आपकी जल्दी ही आ जाएगी, कल जो है आपकी क्लास मिल जाएगी आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।